नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में, जहां हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जो हैं जानी मानी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिशा गोयल, जिनसे हम जानेंगे इस एपिसोड में न्यूरो की प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके समाधान के बारे में। इसलिए इस एपिसोड के अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू सर, नमस्ते। आज आपने हमें इस पॉडकास्ट पे आने का अवसर दिया। आज हम न्यूरोलॉजी के बारे में बात करना चाहेंगे कि न्यूरोलॉजी आखिर है क्या। सबसे पहले तो न्यूरोलॉजी सर एक ऐसी ब्रांच है जिसके बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो न्यूरोलॉजी जो होता है वो होता है साइंस ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी का वो सिस्टम होता है जो सारी बॉडी को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, सारे सिस्टम्स का कोऑर्डिनेशन कराता है। और इसमें इंक्लूड होता है हमारा ब्रेन, जैसे कि मस्तिष्क या दिमाग बोलते हैं, और होता है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो रीढ़ की हड्डी की नसें होती हैं, और इसके अलावा होती है सारी नर्व्स यानी कि नसें और मसल्स यानी कि मांसपेशियां। तो ये सारे नर्व्स और मसल्स, चाहे हमारी देखने की हो, स्मेल करने की हो, बोलने की, खाने की, निगलने की, हाथ चलाने की, सांस लेने की, चलने की, सारी नसें मांसपेशियां सब न्यूरोलॉजी के अंडर आती हैं। तो हम एज न्यूरोलॉजिस्ट इन सब से संबंधित सारी बीमारियों के बारे में देखते हैं, डिस्कस करते हैं और ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। तो इस आज के इस एपिसोड में हम किन किन न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे लगता है आजकल जो सबसे कॉमन और अपकमिंग प्रॉब्लम है जो सबको ही होती है, एक तो है मेमोरी, याददाश्त अच्छी ना होने की, कॉन्सेंट्रेशन। खासतौर पे 40-45 की उम्र के बाद लोग भूलने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ये एक आई थिंक सबसे कॉमन विषय है चर्चा का, तो इस पे तो हमें बात करना ही है और इससे जुड़ी और भी जो चीजें हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक चीज और कि आजकल सोशल मीडिया पर कहते हैं कि मोबाइल ज्यादा देखने से, टीवी देखने से मेमोरी लॉस होता है, क्या ये सही बात है? हाँ सर, एक तरीके से देखे तो ये बात सही है। तो इस चीज़ का एक नाम भी दिया गया है, इसे डिजिटल एमनीजिया बोलते हैं। तो डेफिनेटली हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आज इसी पे बात करते हैं। ठीक है सर डिजिटल एमनीजिया का मतलब होता है जिसमें मेमोरी लॉस होने लगा, और डिजिटल तो हम सबको पता ही है। तो डिजिटल एमनीजिया ये बोलते हैं कि एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स की वजह से जो मेमोरी लॉस होने लगता है उसको डिजिटल एमनीजिया बोलते हैं। एक्सेस मतलब कितना टाइम? सर अब उस चीज़ को डिफाइन तो कहीं किया नहीं गया है कि एग्जैक्टली कितना एक्सेस है, बस अब हर किसी का एक्सेस अलग है। किसी का काम ही मोबाइल पे, तो वो बोलते हैं भाई मुझे तो 10 घंटे करना ही है। कोई अगर बच्चे बैठे हैं तो बच्चों के लिए शायद 2 घंटा भी एक्सेस है। तो वो तो हर उम्र के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से एक्सेस अपना अपना डिफाइन करना। अच्छा, ये सिर्फ मोबाइल से रिलेटेड है या जो लोग ऑफिस में डेस्कटॉप पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, उन पे भी लागू होते हैं? सर ये मोस्टली मोबाइल से रिलेटेड है, क्योंकि डेस्कटॉप पे बैठे अक्सर वो रील्स पे स्क्रॉलिंग नहीं हो रही होती है, और डेस्कटॉप पे सो कॉल्ड फिजूल काम भी कम हो रहे होते हैं। तो जो ये हमारा टाइम पास या टाइम वेस्ट जिसे भी हम बोले हैं, या जो चीज़ हमारी मेमोरी को शायद नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, वो मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा है। तो डिजिटल एमनीजिया जो वर्ड दिया गया है वो भी ज़्यादातर मोबाइल के कंटेक्स्ट में या संदर्भ में ही दिया गया है। तो ये सब पे, सभी एज में, जैसे बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट करता है, कोई एज है उस पे ज़्यादा इफेक्ट करता हो? सर देखिए, अब एक चीज़ ये है कि बच्चों का डेवलपिंग ब्रेन होता है, तो उन पे तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है ही है। और इसका इम्पैक्ट मिडिल एज एल्डरली में भी है, लेकिन सब पे इम्पैक्ट अलग अलग ढंग से है। तो वो अगर हम बात करें सर, तो देखिए बच्चों का तो डेवलपिंग ब्रेन है, अब बच्चे हम फोकस कर रहे हैं, अब सपोज पेरेंट्स ही हैं कि आके बच्चे को भी बोल रहे हैं, बच्चा अपना गेम में मोबाइल में लगा हुआ है, हाँ 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 तो कर देगा वो, लेकिन शायद वो इतने ध्यान से उनकी बात को सुनेगा। हाँ, और वो चीज़ काफ़ी हद तक होती थी पहले हमारे बचपन में, होता था शायद हम टीवी के सामने बैठे हैं और मम्मी कुछ आवाज़ लगा रही है, हमने नहीं सुना, तो मम्मी दूसरी बार आके टीवी का स्विच ही बंद कर देगी या रिमोट लेके चली जाएगी। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि ना मोबाइल तो हर बच्चे के हाथ में है, शायद पेरेंट्स भी ज़्यादा बिजी हैं इसलिए इनिशियली देना शुरू करते हैं, बच्चा खा नहीं रहा, फिर हैबिट हो जाती है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि सुनता नहीं है, जैसे कि अक्सर मेरे साथ भी होता है, मोबाइल पे जब काम कर रहा हूँ तो किसी ने कुछ कहा तो ध्यान ही नहीं रहता। हाँ, तो ऐसे में कोई टिप्स दे बच्चों को, बड़ों को और सभी को कि कितना टाइम यूज कर सकते हैं, मतलब कोई मैक्सिमम टाइम, मिनिमम टाइम?
अक्सर देखिए ये जो चीज़ है ना, ये मोबाइल फोन्स की वजह से ना एक डिस्ट्रैक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब क्या है कि एक तो हम मल्टीटास्किंग सो कॉल्ड कर रहे हैं कि उधर टीवी भी शायद चल रहा है, उधर मोबाइल भी चल रहा है, उधर कोई तीसरा कोई साथ वाला बोल रहा है, हम उसकी भी बात सुन रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे एक साथ चल रही हैं। और मोबाइल पर भी एक ऐप नहीं चल रही, मल्टीपल ऐप चल रहे हैं, एक ऐप तो चल ही रही है, तीन चार और की नोटिफिकेशन बज रही है, तो हम साथ साथ में सबका तो इस टाइप की जो इश्यूज आते हैं इसके लिए डेफिनेटली कुछ टिप्स दिए गए हैं जो कि आजकल हम अपने पेशेंट्स को भी देते हैं, अदरवाइज भी बताते हैं कि डिजिटल एमनीजिया को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि जो मोबाइल का ये अननेसेसरी यूसेज है ना, उसको अवॉइड करें। मतलब कम से कम हफ्ते में एक दिन से शुरू करें कि जिस दिन हम मोबाइल को सिर्फ कॉलिंग के लिए, कॉलिंग के लिए सर हम ना छुए वाला ऑप्शन देंगे, मतलब तो नोकिया वाला टाइम बिल्कुल कि अपना छोटा फोन हो ना जिसमें सिर्फ कॉल रिसीवर करनी है, वो ही सबसे सही चीज है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही टिप है कि शुरुआत करें यहाँ से, एक दिन कम से कम आप सप्ताह में फोन से दूर रहे, स्क्रीन से दूर रहे, उसको सिर्फ कॉल रिसीव और करने के लिए रहे, और उसके इंटरनेट वाले फंक्शंस का तो बिल्कुल ही इस्तेमाल ना करें, है ना। फिर ये तो सबसे अच्छा टिप है। उसके साथ में और चीजें भी बोलते हैं कि जैसे कभी भी अपने बेडरूम में ना मोबाइल फोन लेके जाना अवॉइड करें रात को सोने से पहले, तो वो हम बेडरूम में स्पेसिफिकली भी बोलते हैं कि मोबाइल को अपने ना लेके जाएं, और रात को सोने से पहले तो एक घंटे तक टेक फ्री पीरियड रखें, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस ना रखें। कि जैसे हम आदत बना लेते हैं कि चल सोने से थोड़ी देर पहले रील्स देख ली, वो रील्स रात भर हमारे दिमाग में क्या करती है, कितना हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करती है, तो इससे कितना प्रभाव पड़ता है एक आम आदमी पे जो रील नहीं देखता हो, मोबाइल कम यूज करता हो और एक बहुत ज्यादा करता हो, तो कितना फर्क आप लोग के पास तो पेशेंट आते हैं बिल्कुल, इससे तो काफी फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर कोई जना है जो पूरा टाइम उसमें लगा हुआ है तो वो अपनी टेक्निकली सिर्फ दो ही सेंसर्स का इस्तेमाल कर रहा है, देखने का और शायद कुछ हद तक सुनने का, तो हमारी जो बाकी सब सेंसेस है ना, चीजें समझने का, प्रोसेस करने का, वो सब चीजें जो है ह्यूमन कॉन्टेक्ट, पर्सनल टच, वो खत्म होता है जी। क्योंकि ये तो सर है ही कि हम अपनी जितनी सेंसेस को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और अपने दिमाग को जितना एक्टिव रखेंगे ना उतना बेटर है। ये प्रॉब्लम ना आजकल बच्चों में तो है ही, लेकिन एल्डरली जो बुजुर्ग है ना उनमें भी है। क्योंकि देखिए मोस्टली आजकल क्या है कि सब लोग वर्किंग है, है ना, तो एल्डरली जो बड़े घर के लोग हैं उनका टाइम पास कैसे है। मम्मी भी आजकल घर पे अगर काम कर रही है, बच्चा रो रहा है, तो मैंने ऐसे ही बच्चे देखे हैं कि जब तक उनको आप वीडियो नहीं दिखाएंगे ना तब तक वो खाना नहीं खाएंगे और चुप भी नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और नहीं बच्चों में तो है ही है सर, मैं बुजुर्गों की भी बात करना चाहूंगी कि बुजुर्गों में भी दिक्कत है कि बेसिकली एक एज के बाद ब्रेन एडिक्शन हो गया उनका और अब मोबाइल से। सर हम जितना मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं एक एज के बाद, तो दिमाग के ना बाकी सारे सर्किट्स खत्म होने लगते हैं। बेसिकली दिमाग में हमारे जो इलेक्ट्रिकल करंट्स के सर्किट्स हैं वो आप ऐसे मानिए कि वो एक पेड़ की टहनी जैसे है, तो जिसका यूज होगा वो तो ग्रो करता जाएगा, बाकी सब मुरझाते जाएंगे। तो अगर हम सिर्फ अपने एक सेंस को डेवलप करे जा रहे हैं कि दूसरों के बनाए गए कंटेंट को देख देख के करते रहे, मोबाइल को छोड़ने का कोई टिप्स बताएं कि कैसे छोड़ें। इसके लिए तो विल पावर बहुत स्ट्रांग चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। जैसे छोटी छोटी चीजें लोग आजकल क्या करते हैं कि बाथरूम में जाते हैं तो मोबाइल साथ ले जाते हैं, और मोबाइल साथ लेके तो जो 5 मिनट का काम है 20 मिनट लगता है उसके अंदर। सर इसकी वजह से और एक हेल्थ हैजर्ड भी है, जो पाइल्स या हेमरॉइड की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है ना, ये भी बहुत बढ़ती है। क्योंकि आप अननेसेसरी टॉयलेट बैठे रहते हैं, आप स्ट्रेन करते रहेंगे, तो उससे इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। तो ये तो मतलब किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। अच्छा अब ये बताइए कि आखिर ये मेमोरीज क्या होती हैं। सर मेमोरी की अगर एक टेक्निकल डेफिनेशन बोली जाए तो वो ये होती है द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू अक्वायर इन्फॉर्मेशन अबाउट थिंग्स एंड इवेंट्स एंड देन द एबिलिटी टू रिकॉल देम एट विल। अगर आप इसको सिंपल भाषा में बताई जाए तो ये हमारे ह्यूमंस की कैपेबिलिटी होती है कि हम सारी इंफॉर्मेशन या जो भी चीजें हैं उसको इकट्ठा करें अपने ब्रेन में चाहे वो किसी चीज के बारे में हो, चाहे किसी इंसान के बारे में हो, चाहे किसी एपिसोड या इंसिडेंट्स के बारे में हो, और उन सबको ब्रेन में इकट्ठा करके रखें, और जब जरूरत पड़े और जब हम चाहें तो तब हम उसे याद कर पाए। तो इसको मतलब मेमोरी को ना बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, और इसके जो इश्यूज होते हैं वो भी फिर के हिसाब से ही होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप को हम बोलते हैं एनकोडिंग, सेकंड को बोलते हैं स्टोरेज, और थर्ड को बोलते हैं रिट्रीवल। तो एनकोडिंग आप ऐसे समझिए कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी है ना वो सारी हम ब्रेन में प्रोसेस होती है और अलग अलग जगह पे चली जाती है। ठीक है।
अलग अलग जगह पे जाके वो स्टोर हो जाती है और जब हमें उससे रिलेटेड कोई चीज मिलती है और हमें वो याद करने की जरूरत होती है तो हम उसे निकालते हैं। तो इसको हम अक्सर पेशेंट्स को कैसे समझाते हैं कि सपोज आप एक ऑफिस में हैं और ऑफिस में आपके पास बहुत सारे कागज रोज आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो वो कागज इकट्ठे करने का प्रोसीजर तो है एनकोडिंग। अब उसको डालना है अलग अलग फाइलों में, तो वो फाइलों में आप फाइलिंग जो करते हैं, वो फाइलिंग इज स्टोरेज। और जब रिट्रीव करना है कि यार वो कागज चाहिए तो वो फाइल कोड से निकाल के आप ले आओ। तो अब ऐसा हमारे लिए है कि अगर हम किसी इंसान से मिल रहे हैं तो हम उसकी आवाज से भी उसे पहचानते हैं, कई बार उसके कलर कॉम्प्लेक्शन हाइट से भी हम रिलेट करते हैं, है ना, कई बार उसकी कोई फ्रेग्रेंस या खुशबू होती है हम उससे भी रिलेट करते हैं, और हम कई बार उनके कपड़ों से भी रिलेट करते हैं। तो हम किसी को मिलते हैं तो क्या बोलेंगे, यार ये उसकी तरह के कपड़े पहनता है, या ये बात उसकी तरह करता है, या हंसता उसकी तरह है। तो ये चीजें सब मेमोरी होती है जो ब्रेन में इंटर रिलेटेड होती है। तो इसमें मेमोरीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसके साथ आती है, लॉस होने में, जैसे एक उम्र, अभी मैंने पहले बात किया था कि एक उम्र के बाद आदमी भूलने लग जाता है, और उसके क्या कारण है? सर देखिए, ये जो मेमोरी के जो तीन हिस्से होते हैं ना, इसमें अलग अलग हिस्सों में जब अफेक्शन होता है तो अलग अलग टाइप के मेमोरी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कॉमन तौर पे जो आजकल मेमोरी की प्रॉब्लम को डिमेंशिया जो बोलते हैं, जो कि पहले तो ये माना जाता था कि बुजुर्गों में या 60-65 की उम्र के बाद है, अधिकतर यही होता था कि 60-65 साल के बाद आदमी अपने लोगों को पहचानना कम कर देता था। तो वो मतलब जो पुराने जमाने में ये था डिमेंशिया, लेकिन आजकल तो डिमेंशिया इसको नहीं बोलते हैं, मतलब सिर्फ भूलने की बीमारी नहीं है, डिमेंशिया में आजकल बहुत सारे डोमेन, बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। तो उसमें सिर्फ लैंग्वेज डिसफंक्शन हो सकता है, यानी कि वर्ड्स भूलने लगते हैं या पर्टिकुलर नाम नहीं ले पाते हैं, चाहे चीजों चाहे लोगों के, या हो सकता है कि सिर्फ पर्सनालिटी चेंज हो जाए, है ना, कि कोई बहुत गुस्से वाला हो जाए, चिड़चिड़ा हो जाए, बहुत शक्की हो जाए, या बहुत ज्यादा खुश मिजाज हो जाए। शक्की हो जाए, ये भी मेमोरी में बिल्कुल ये एक तरीके का बिहेवियर और पर्सनालिटी चेंज आने लगता है। तो ये भी सब आजकल डिमेंशिया या मेमोरी लॉस का हिस्सा है, है ना। कोई इंसान जो बहुत संभल के रहता था, केयरफुल था हमेशा से, ना, अब वो एकदम से बहुत पैसे उड़ा रहा है, लापरवाह हो गया है, तो ये भी मेमोरी का इशू हो सकता है। हाँ, रास्ते भूल जाना तो कॉमन चीज होती है। जो कई लोग आके सबसे पहली बार कब पता चलते है कि बिजनेस में बहुत अच्छा करते थे, सब अपने आप करते थे, अब एकदम से बहुत रैश या इरेशनल डिसीजन लेने लगे हैं। तो ये सब कुछ मेमोरी की प्रॉब्लम। हाँ जी, तो ये बच्चों में, जैसे बच्चों का भी आजकल सुनते हैं कि एजुकेशन, पढ़ाई जब करते हैं बच्चे तो रट्टा लगाते हैं, बिल्कुल, और उसके बाद एग्जाम दिया, उसके बाद 2 दिन बाद उसे भूल जाते हैं, तो ये क्या प्रॉब्लम है? सर ये जो होता है ना कि रट्टा लगाया और भूल गए, ये है कि हमने अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो रखा, उसको स्टोर नहीं किया और वो परमानेंट स्टोरेज में नहीं गई। वो कागज यहीं टेबल पे बिखरे हुए थे, तब तो हमने कागज निकाल के टेबल से पकड़ा दिया, वो जब फाइल में गए ही नहीं, तो फिर वो 10 दिन बाद या 15 दिन बाद तो एक टाइम है उसका, उसके बाद वो निकल जाता है। तो चीजों को अगर हमें याद करना है और अपने स्टोरेज करनी है दिमाग में ना, तो उसके लिए हमें उसको रिपीट करना पड़ेगा और इतना फोकस करना पड़ेगा कि वो चीज वो टेम्पररी वर्किंग मेमोरी से हमारी परमानेंट मेमोरी के अंदर जाए। एक चीज सर इसमें मैं बताना चाहूंगी कि जब बच्चों में याददाश्त या मेमोरी की बात होती है ना, तो उसमें सर बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम पहले रूल आउट करें कि बच्चे को ना कोई वाकई में प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज है, ऑटिज्म है, डिसलेक्सिया है, या कई बार ब्रेन में कोई बर्थ से ही इंजरीज होती है, या किसी टाइप की मैलफॉर्मेशन या खराबी बनाना होती है। हाँ जी, तो ये सब चीजें रूल आउट करना बहुत जरूरी है, जिससे पहले कि हम बच्चे को प्रेशराइज करने लगे कि भाई तू ध्यान नहीं दे रहा। अक्सर यही होता है अपने इंडिया में, तो ध्यान नहीं दे रहा। तो कई बार आते हैं 6-7 साल 8 साल के बच्चों को लेके आते हैं कि स्कूल में ध्यान नहीं देता, बाकी सब चीजों में ठीक है। पर ये भी एक कॉमन चीज है, बच्चों को आप देखें तो बच्चों को आप कोई मूवी दिखाओ, प्ले दिखा दो, गेम्स दिखा दो, एक्टर का नाम याद रहेगा, एक्ट्रेस का नाम याद रहेगा, थिएटर में कहाँ जाना है वो याद है, एड्रेस याद है, बट स्कूल के काम से जब बात आती है पढ़ाई की, वो याद नहीं रहता। बिल्कुल, ये तो सर देखिए ये सब खेल क्या है, अटेंशन का। अटेंशन मतलब कि अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं या सुन रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, तो हमारा कितना फोकस उस चीज पे है। अगर हमारा फोकस नहीं है ना और मन इधर उधर भाग रहा है, तो हम कभी भी उस चीज को याद कर ही नहीं पाएंगे। मतलब फिर तो ये हुआ, बच्चा उसको याद करना ही नहीं चाह रहा, मतलब वो उतना फोकस नहीं कर रहा है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड है, मतलब वो
बात तो शायद हमसे कर रहा है या क्लास में तो बैठे है लेकिन मन में उसके कुछ और चल रहे हैं, तो वो चीज इसलिए है क्योंकि उसका अटेंशन नहीं है। वो तो यही बात है कि हम मोबाइल में देख रहे हैं, वाइफ ने कुछ काम बोला था, कल पूछा काम हो गया, तो कब बोला याद ही नहीं है क्योंकि हम तो मोबाइल में बिजी थे तब। तो अच्छा, बुजुर्गों के लिए कोई टिप्स दें जिसको उनको याद रहे, मतलब इस याददाश्त को कुछ खाने से पीने से, कोई ऐसी मेडिटेशन आती है या कोई ऐसा रूटीन है योगा का या कोई एक्सरसाइज का ऐसा रूटीन है जिससे शार्प मेमोरीज रहें उनकी हमेशा। सर बेसिकली जो मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं एल्डरली में, तो उसके जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं या किन को ये होगा। अच्छा, एक चीज पहले ना ये चीजें 60-50 साल में होती थी, अब ये 35-40 से शुरू हो गया। दोस्त कहते हैं, हम भी कई बार दोस्त का ही नाम भूल जाते हैं 4-5 साल नहीं मिला था। सर जो अब थोड़ी कम उम्र में ये सब प्रॉब्लम शुरू हो रही है ना, उसका सबसे नंबर वन रीजन है हमारा पुअर लाइफस्टाइल, और उसमें आती है 3 चीजें। 1, हमारे स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है सबके ही, हमेशा ही है ना, स्लीप सबकी पुअर है, नींद के लिए टाइम है ही नहीं, हाँ। और तीसरा जो हमारी ईटिंग हैबिट्स खराब है। तो ये 3 चीजें हैं जो हमारे ब्रेन पे अंदर 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 इतना नुकसान कर रही है और उसे शायद खोखला कर रही है कि जो मेमोरी इश्यूज 60-65 पे आने थे वो आजकल 40-45 पे अक्सर दिखने में। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि रात को ठीक से सोएं, अच्छा फलाहार करें, प्रोटीन डाइट खाएं और पूरा प्रॉपर रेस्ट करें, काम का स्ट्रेस कम लें थोड़ा, काम का, पर्सनल लाइफ का, हर चीज का। हाँ, स्ट्रेस तो आजकल सब चीज का ही है, बच्चों को भी स्ट्रेस है, घर पे भी स्ट्रेस है आजकल, काम का भी स्ट्रेस है, टैक्स का भी स्ट्रेस। तो स्ट्रेस तो ऐसा है कि बस मौका चाहिए आजकल लोगों को लेने। तो बच्चे के लिए जैसे बड़ों के लिए टिप्स दिए, बच्चों के लिए भी यही टिप्स लागू है कि वो टाइम पे सोए। क्योंकि बच्चों के साथ तो अधिकतर यही होता है, वो टाइम पे सुलाते हैं, खिलाते भी पेरेंट्स अच्छे हैं उनको, ऐसा हमें लगता है। और बच्चों को मुझे लगता है कि उनको कोई स्ट्रेस है। नहीं नहीं सर, ये तो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है। बच्चों में आजकल जो मेमोरी इश्यूज है ना, उसके जो मेन कारण है उसमें से टॉप 3 कारण बच्चों में भी यही है कि खाना प्रॉपर नहीं, स्लीप प्रॉपर नहीं एंड स्ट्रेस। तो बच्चे जो होते हैं ना नाजुक होते हैं, है ना, ऑब्वियसली। तो अब उनका क्या है कि वो किस छोटी बात से ना, कि स्कूल में किसी ने क्या बोल दिया या घर पे किसी ने क्या बोल दिया, किस चीज से स्ट्रेस अपने मन में लेके, फिर ये हुआ कि हम ध्यान नहीं देते, बच्चा भी स्ट्रेस में रहता है। सर पहले क्या होता था कि फैमिलीज बड़ी, घर में 10 लोग हैं बच्चे से बात करने के लिए, किसी ना किसी को बता ही देते, और शायद बच्चे बाहर आपस में भी ज्यादा इंटरेक्ट करते थे, तो बच्चों के मन में कोई बातें रहती नहीं। अब तो न्यूक्लियर फैमिली जब से हुई है बच्चा, उसका टैब या उसका फोन, शायद एक कोई साथ में रहने के लिए बस। और पहले 3-4 बच्चे होते थे घर के अंदर, आजकल एक ही बच्चा है, 2 बच्चे हैं, वो आपस में भी लड़ाई झगड़ा ही ज्यादा होता है। बिल्कुल सर, सब अलग अलग कमरों में अपने अपने फोनों के साथ बिजी हो गए हैं ना, तो इसलिए बच्चों का भी वो इंट्रैक्शन कम हो गया है, स्ट्रेस लेवल्स बच्चों के भी ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, आजकल एक कॉमन चीज है बच्चों के अंदर देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है, सीजर, उनको सीजर अटैक आते हैं, दौरा जिसको हम बोलते हैं, और वो बच्चे क्लैप्स हो जाते हैं, मतलब स्कूल से आ रहे हैं, बस से उतरे, उसके बाद गिर जाते हैं, ट्यूशन पे बैठे हुए या घर पे सोते हुए, ये क्या कारण है, क्यों ये ज्यादा हो रहा है बच्चों में? सर ये जो बच्चों में जो बेहोशी या है इस तरीके के इश्यूज हैं ना, इसमें मतलब हाँ काफ़ी हद तक हो सकता है कि फिट्स या दौरे हों, लेकिन और 2 चीज़ें भी हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। एक चीज़ होती है सिनकोप। सिनकोप होता है कि जब दिमाग में खून की कमी हो जाती है उसकी वजह से गिर जाते हैं, तो वो अक्सर वो कॉमन ज़्यादा होता है बच्चों में, उसके भी यही सिम्टम्स हैं। हाँ जी, उसमें क्या होता है कि ना बच्चों ने जैसे खाया नहीं है, डिहाइड्रेशन हो रही है, आजकल पानी नहीं पिया है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, लंबे समय तक खड़े हैं, खड़े रहने की आदत खत्म हो गई है, धूप की तो आदत बिल्कुल ही खत्म हो गई है, तो एकदम रेगुलेटेड टेम्परेचर में एसी में रहने की बच्चों को आदत हो गई है, तो वो फिर ज्यादा धूप एक्सपोजर, खाना टाइम से ना खाना, या कई बार इमोशनल ट्रिगर्स की वजह से भी ब्रेन में एकदम से ब्लड फ्लो की कमी हो जाती है, जिसको वेजोवेगल सिनकोप बोलते हैं, और उसकी वजह से फिर बच्चे गिर जाते हैं। तो उसमें वो रेगुलर, वो भी रेगुलर होता है कि मतलब जैसे मैं जिसकी बात कर रहा हूँ अधिकतर वो हर 10 दिन में 15 दिन में 20 दिन में 1 महीने बाद रिपीट होता है। अगर सर इस तरीके की चीज है तो फिर उसमें या तो असली के दौरे जो होते हैं वो होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं उसके? सर देखिए, दौरे जो होते हैं ना, बेसिकली क्या है कि ब्रेन में हमारे जितने भी सेल्स हैं आपस में बात करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल करंट से कम्युनिकेट करते हैं, तो ऐसा मानिए कि बिजली की तारे हैं, तो नॉर्मली अगर हमें एक एक्शन करना है कि एक हाथ उठाना है या एक पैर उठाना है, तो ब्रेन उस हिसाब से सिग्नल देता है उस सेल को कि अब तेरा काम है, तुझे करना है। अगर ब्रेन में किसी भी टाइम पे एक तरीके से शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए और सारे सेल्स एक साथ एक्टिवेट हो जाए, तो फिर आता है जो बड़ा दौरा। जो बड़ा दौरा में अक्सर मानते हैं कि हाथ पैर एकदम टाइट हो जाते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी, मुंह से झाग आएगा, हो सकता है कपड़ों में बाथरूम वगैरह छूट जाए, एक आध मिनट के लिए
इंसान बेहोश हो जाता है, तो वो होता है ट्रेडिशनल बड़ा दौरा, जिसको आई थिंक मोस्टली सब लोग पहचान लेते हैं। लेकिन उसके अलावा छोटे दौरे भी अलग अलग टाइप के आते हैं कि जिसमें बैठे बैठे सिर्फ आधा मिनट के लिए एकदम गुमसुम हो गए, पलके नहीं झपक रही है या मुंह अलग तरीके से हिल रहा है, हैंग जैसा हो जाता है इस तरीके का सिचुएशन। तो ये भी एक तरीके के दौरे। तो इसमें मेडिकल साइंस में इसका कोई उपचार ठीक से, मतलब बच्चा पूरी तरह से रिकवरी कर देता हो? बिल्कुल सर, आजकल तो ये माना जाता है ना कि दौरे में 70-80% लोगों का मेडिसिन से बिल्कुल कंट्रोल अचीव हो जाता है। और दौरों का कंट्रोल अचीव होगा या नहीं होगा, नॉर्मल सी होगी कि नहीं होगी, वो ज्यादा तो इस पर डिपेंड करते हैं कि दौरे आ किस वजह से। तो क्योंकि जब तक हमें वजह नहीं पता है, हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो खत्म या कंट्रोल कितना हद तक होगा। तो ये बच्चों में ज्यादा आते हैं, बड़ों में मैंने आपने भी देखा होगा, कई बार हम छोटे छोटे थे तो कई बार रोड पे आदमी पड़ जाता था, मिर्गी बोलते थे उस टाइम, तो ये सीजर और मिर्गी दोनों ही थी, तो वो पड़ जाते थे तो लोग उसको वो कोई जुत्ती सुंघाता है, कोई ये सब आता है, तो ये कोई मेडिकल के उसमें है? बिल्कुल मतलब ये चीज तो मैं काफी बार अपने सारे लोगों को, पेशेंट्स को और सबको बताते हूँ कि भाई जूता नहीं सुंघाना है, बिल्कुल भी जूता सुंघाने का कोई यूज नहीं है। अगर आपके सामने किसी को दौरा या फिट आ रहा है तो उसके फर्स्ट एड में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले तो उनको करवट दिलवा दीजिए, राइट या लेफ्ट करवट दिलवा दीजिए, क्योंकि हमारे मुंह में उस टाइम में बहुत झाग या थूक आ रहा है, तो वो हम निगल ना लें, हमारी हवा वाली पाइप में ना चला जाए, तो साइड में लिटा दीजिए, तो जो भी थूक वगैरह इकट्ठा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। फिर सेकंड है कि गले पे कोई टाइट कपड़ा या ज्वेलरी आइटम हो तो उसको निकाल दो। एंड उनको अब सांस लेने दीजिए, उन पे एकदम ओवरक्राउडिंग मत करिए, और तुरंत हो सके तो एक मेडिकल हेल्प के लिए बुलाएं, और उनके आसपास कोई नोकीली पॉइंटेड चीजें हैं जिससे उन्हें लग सकता है वो उनको हटा दीजिए। कोशिश करिए गर्दन के नीचे कोई तकिया वगैरह, पिल्लो वगैरह रख दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक पेशेंट को पूरी तरीके से होश नहीं आता है, उनके मुंह में उंगली, चम्मच या किसी भी प्रकार का कोई चीज़ ना डालिए, क्योंकि अगर आप उंगली वगैरह डालेंगे ना तो अक्सर पेशेंट्स के दांत टूट जाते हैं या वो उंगली दूसरे इंसान की काट लेते हैं। सॉरी बीच में रोकूंगा, ये उंगली वाला जब दांत वाला आप बता रहे चम्मच का, ये भी अक्सर होता था कि बुजुर्ग लोगों के ना दांते ऐसे भींच लेते थे, तो लोग उसमें पानी की चम्मच से ना ऐसे डाल के खोलते थे। नहीं 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 सर, ये बिल्कुल गलत चीज है, क्योंकि मोस्टली आप मान के चलिए कि दौरा जो है ना वो 30 सेकंड्स to 1 मिनट में कंट्रोल हो जाएगा, और वो एक दौरे का पार्ट है कि जब सारी मसल्स अकड़ रही हैं, टाइट हो रही हैं, तो उसमें हम कुछ भी करके खोल नहीं सकते हैं। जैसे भी खत्म होगा, मसल रिलैक्स होगी, ठीक है, लेकिन तब तक कुछ भी चीज़, खाना पानी दवाई नहीं डालना है, क्योंकि वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पेशेंट को ज़्यादा नुकसान करे, क्योंकि वो हवा वाली पाइप में चला जाएगा या अटक जाएगा, सांस रुक सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर डॉक्टर ने कोई स्प्रे प्रिस्क्राइब कर रखा है नोज में जो डाल सकते हैं वो दे सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर दौरा ऐसे लगता है कि 1-1.5 मिनट से ज्यादा चल रहा है तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएंगे, और अगर पहले से पता है कि दौरे आते हैं तो वो स्प्रे दीजिए पेशेंट को थोड़ा होश में करके, फिर उनको लेके जाए। तो इस दौरे में क्या, मैंने सुना है कि अक्सर लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन लेवल जो ब्रेन का है वो कम हो जाता है, और ऐसे लोग दिमाग से थोड़ा स्लो हो जाते हैं। सर देखिए, अगर दौरे बार बार रिपीटेडली आएंगे तो हो सकता है कहीं ब्रेन में कुछ इम्पैक्ट हो, लेकिन मोस्टली जितनी भी स्टडीज करी गई हैं जो कंपेयर करती हैं एक नॉर्मल, सो कॉल्ड नॉर्मल इंसान और जिनको दौरे आते हैं, उनकी इंटेलिजेंस में कोई कमी या डिफरेंस नहीं होता है। हाँ, हो सकता है कि किसी को दौरे आते ही इसलिए हैं क्योंकि उनके दिमाग में कोई कमजोरी है या दिमाग में बनावटी दिक्कत है, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन अगर किसी की दिमागी बनावट ठीक है और उनको दौरे आ रहे हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि उनका इंटेलिजेंस और समझ बिल्कुल नॉर्मल होगी और कोई कमी नहीं होगी। और बच्चों पे, जैसे मैंने अभी पहले बात की हमने कि बच्चों में ज्यादा सीजर का अटैक है, तो उनको किस तरह से बच्चे, पेरेंट्स जिनके बच्चों का आता है, वो किस तरह से मेडिकल साइंस उसमें हेल्प करती है, किस किस चीज़ों का वो ध्यान रखें स्पेशली बच्चों के लिए? देखिए सर, बच्चों में या फॉर दैट मैटर बड़ों में भी अगर दौरे आते हैं तो तीन चीज़ का ध्यान तो हमेशा ही रखना है। एक, नींद कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। जब भी नींद की दिक्कत होगी कि आज शादी पार्टी में गए हैं, सोए नहीं हैं, या बच्चा थोड़ा लेट टीवी देख रहा था, तो नींद कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो दौरा आने की बहुत संभावना है। तो नींद को फोकस रखें। सेकेंड, खाना बिल्कुल टाइम से खाएं, क्योंकि भूख से भी दौरे ट्रिगर होते हैं। तीसरा, दवाई टाइम से खाएं। ये तीन चीजें अगर हम कर रहे हैं ना तो काफी हद तक रहेगी चांसेस कि बच्चा ठीक रहेगा।
तो अगर मतलब आके बोलेंगे कि दौरा आया, तो अक्सर सबसे पहले डॉक्टर हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा दवाई तो नहीं मिस हुई थी? पहले हर कोई यही बोलेगा नहीं नहीं कोई दवाई नहीं मिस, कोई नहीं, सब कुछ ठीक था। फिर धीरे 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 निकल के आएगा हाँ वो परसों शादी में गए थे तो दवाई भी रह गई थी, सोए भी नहीं थे। तो फिर इस तरीके से चीजें निकल के आती है। तो अगर किसी को टेंडेंसी है तो एक दवाई के डोज से भी मिस प्रॉब्लम हो सकती है। दवाई कुछ लोग तो इतने सेंसिटिव होते हैं कि दवाई का टाइम अगर आपने एक घंटा आगे पीछे भी कर दिया ना, तो उससे भी उनका दौरा ट्रिगर हो सकता है, मतलब जिनका लेवल ज्यादा हो गया। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, एक हेडेक आज की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी है लोगों को, और हेडेक बहुत होता है, और हेडेक में मौत भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो वो क्या कारण है कि हेडेक हो रहा है और लोगों का मतलब स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा हेडेक होता है? मेडिसिन भी रेगुलर चलती है कुछ सारी, तो ऐसी मेडिसिन जो डॉक्टर जाते हैं उनको रेगुलर करवाते हैं कि आपको रेगुलर रखना है, तो उसका कोई उपाय समाधान किस तरह से? देखिए सर, हेडेक जो है ना वो एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। मतलब हेडेक तो एज अ न्यूरोलॉजिस्ट हेडेक हमारे लिए है कि हेड फेस या नेक पे होने वाले किसी भी पेन को हम हेडेक बोलते हैं। वो हर चीज कि अगर आप बोलो कान के पीछे दर्द है या गर्दन में दर्द है या फेस पे दर्द है, तो वो सब कुछ डेफिनेशन वाइज साइंटिफिकली वो हेडेक के अंडर आते हैं। और हेडेक की बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जिससे सारा ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। एक होता है प्राइमरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक मतलब हेडेक ही समस्या है, ठीक है? तो हेडेक जो है वो ब्रेन की नसों में कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है। और ये दूसरा होता है सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक मतलब कि एक्चुअली बीमारी कोई और है और हेडेक सिर्फ उसका एक सिम्टम या लक्षण है। तो नॉर्मली जो हम ये मानते हैं कि जो सेकेंडरी हेडेक्स हैं वो थोड़े ज़्यादा सीरियस या डेंजरस हेडेक्स होते हैं जिसके लिए हमें इमीडिएट अटेंशन चाहिए। जैसे कि ब्रेन में कोई स्ट्रोक लकवा हो गया, क्लॉट जैसी सिचुएशन बन गई, ब्रेन में कोई इन्फेक्शन है, ब्रेन में कोई गांठ है, चाहे इन्फेक्शन की गांठ है, कोई ट्यूमर की या कैंसर की गांठ है, कोई सिर में चोट लगने के बाद जो हेडेक हुए हैं, कोई साइनस की दिक्कत है, कोई आंख की दिक्कत है, साइनस से आंखों से भी हेडेक होता है। हाँ जी, या फिर कोई नशा वगैरह करते हैं जो सब्सटेंस अब्यूज है उसकी वजह से है। तो ये सारे होते हैं हमारे सेकेंडरी हेडेक्स। और प्राइमरी हेडेक्स होते हैं जो कॉमनली जो माइग्रेन हेडेक्स है या टेंशन हेडेक्स है, ये हमारे दारू ज्यादा पी ली तो हेडेक, वो सर हमारे सब्सटेंस अब्यूज में चला जाता है कई बार, लेकिन कभी कभी पीने से जो हो रहा है वो प्राइमरी। तो ये सर दो कैटेगरीज होते हैं जिससे हमारा सारा ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। और हेडेक्स का ट्रीटमेंट अगर देखिए, कोई सेकेंडरी हेडेक है तो उसमें तो जो मेन वजह है जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है, हमको पहले उसको ट्रीट करना है। वो ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हेडेक कम हो जाएगा। और जो प्राइमरी हेडेक है उसमें हमें सिर्फ मेडिसिन सपोर्टिव देनी होती है। तो वो डिटरमाइन होता है या वो डिसाइड होता है कि हेडेक की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर तो हेडेक इतना है कि महीने में 3-4 बार से ज्यादा पेन किलर लेने की नौबत आ रही है या हमारा रूटीन हैम्पर हो रहा है, तो फिर उस केस में रेगुलर मेडिसिन यानी कि जिसे प्रिवेंटिव मेडिसिन बोलते हैं वो लेनी पड़ती है। और साथ साथ में SOS या अबॉर्टिव मेडिसिन है कि जब बहुत ज्यादा पेन है तब लेंगे। तो ये इससे डिसाइड होता है कि ट्रीटमेंट। अच्छा, इसी में एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, क्या वो भी यही है पुराने टाइम में? अब तो लोग कम कहते गांव में, या पुराने लोग कहते हैं कि अंधा सीसी बोलते हैं कुछ, है ना, कुछ बोलते थे कि सूर्य की वजह से आधे सर में दर्द होता है, तो अंधा सीसी अंधा सीसी है जो धूप में आधे सिर में होने वाला दर्द है, वो मोस्ट केसेस में माइग्रेन का ही दर्द है। और अधिकतर वो बुजुर्ग लोगों के साथ होता है? नहीं, बुजुर्ग तो नहीं सर, बल्कि माइग्रेन जो है वो फीमेल्स में कॉमन होता है। और वो हम यंग फीमेल्स की बीमारी मानते हैं कि 15 से 40-45 तक। तो उसमें स्ट्रेस का कितना इन्वॉल्वमेंट है? बहुत ज्यादा है सर। स्ट्रेस से देखिए, सिर्फ माइग्रेन नहीं, हर प्रकार का हेडेक इंक्रीज होगा। कि जब हम स्ट्रेस्ड आउट है ना, तो हमारा नींद डिस्टर्ब होगी, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज होगा, तो उसकी वजह से जो ये ब्रेन में पेन वाले केमिकल्स हैं वो और बढ़ जाते हैं, तो उससे हेडेक डेफिनेटली इंक्रीज होता है। और ये भी पैरालाइज होता है, हाफ बॉडी का पैरालाइज होता है कई बार, ये भी इसी का पार्ट है सर। कुछ माइग्रेन्स होते हैं जिसमें हाफ बॉडी में पैरालाइज होता है, और वो मोस्टली जेनेटिक या फेमिलियल माइग्रेन्स होते हैं। उसके अलावा अगर हेडेक के साथ पैरालिसिस हो रहा है तो ये एक बहुत ही बड़ा डेंजर साइन है। और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें तुरंत और तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि पैरालाइज होने का मतलब है कि ब्रेन में या तो कहीं नस में ब्लॉकेज आई है या कोई नस फट गई है जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कत हुई है। अच्छा, जाते जाते दो टिप्स आपसे और मैं दर्शकों के लिए जाता हूँ कि शार्प मेमोरीज कैसे बनाएं और ब्रेन को हेल्दी कैसे रखें।
तो देखिए शार्प मेमोरी करने के लिए तो दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है कि जब आप वो काम कर रहे हैं या चीज देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो उस पर फोकस अच्छे से करिए. अगर हमारा सारा ध्यान उस चीज पे होगा तो ऑब्वियसली वो हमारे ब्रेन में रजिस्टर होने का बेटर चांसेस होंगे. और जितनी बार आप चीजों को दोहराएंगे उतनी मेमोरी पक्की होगी. और प्लस आप जितने अपने सेंसेस यूज करेंगे कि सिर्फ देखना नहीं, सिर्फ सुनना नहीं, सिर्फ स्मेल नहीं, सिर्फ महसूस नहीं, जितनी मल्टीपल सेंसेस को हम एक साथ यूज करके एक चीज के बारे में इन्वॉल्व होंगे उतनी वो हमारी बेटर मेमोरी होगी. जैसे बच्चों को हम बोलते हैं ना कि रोल प्ले करके या कोई पार्टिसिपेट करके एक्टिवली आप कुछ काम करेंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी मेमोरी प्रैक्टिकली उनको इन्वॉल्व करके हाँ, जिससे कि मल्टीपल सेंसेस इन्वॉल्व हो. और ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए सर, ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए तो यही है कि ब्रेन को आप जितना एक्टिव रखेंगे ना, ब्रेन आपका उतनी लंबे समय तक उतना अच्छे से एक्टिव रहेगा. ब्रेन की कोई लिमिट ही नहीं है यूज होने की. हम तो उसको यूज करते ही नहीं है, बहुत कम यूज करते हैं. तो हम अपने दिमाग को जितना इस्तेमाल करेंगे, जितनी नई चीजें नई एक्टिविटीज करेंगे, चाहे लैंग्वेज सीखें चाहे कोई नया स्किल अक्वायर करें, तो हमारा ब्रेन उतना एक्टिव होगा. पजल्स, चैलेंजिंग गेम्स करें. आजकल तो फोन का अगर हमें इस्तेमाल करना ही है तो जो ब्रेन एप्स होती हैं, ब्रेन ट्रेनिंग एप्स, मेमोरी गेम्स, वो सब खेलें. उससे भी ब्रेन पे फायदा होता है. और स्ट्रेस टेंशन को कम रखें. अपनी स्लीप को डेफिनेटली रेगुलेट करें. ब्रेन के लिए कोई फूड बच्चों के लिए स्पेशली सर, ब्रेन के लिए तो यही है कि ये जो आजकल हमारे हेल्दी फूड्स हैं उन पे फोकस ज्यादा रहे. फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड, तला हुआ खाना, मैगी सब बंद करें. तो आप बच्चों के लिए, तो ये आप बच्चों के लिए टिप्स नहीं कि उनको खाने में क्या खाना चाहिए हेल्दी फूड में, वो बादाम ले, काजू ले, बिल्कुल सारे नट्स, अखरोट हमारे वॉलनट्स हैं, आलमंड्स हैं, ये तो बहुत हेल्दी है. योगर्ट, कर्ड, ये भी बहुत ही अच्छे फूड्स हैं जो हमारी ब्रेन हेल्थ को. रात को सोते वक्त एक ग्लास दूध पिए. बिल्कुल सर बोल रहे थे हम, उसको तो जोड़ना ही पड़ेगा. बिल्कुल एक ग्लास दूध रात में जरूर पिए. अच्छा, आप आज के पॉडकास्ट में दर्शकों के लिए आपने बहुत कुछ बताया, हमने भी सीखा. आपका पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू, आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी इस पॉडकास्ट में आने की. तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, डिस्कस करके. डेफिनेटली थैंक यू सर. आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही. जल्द मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.